चुनावी महादंगल 2019 आ गया है लोकतंत्र का सबसे बड़ा संग्राम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा किंग मेकर, इसलिए 2019 की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ INN24 न्यूज पर सलीम रहमान के साथ। नमस्कार, चुनावी महादंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं नागपुर की सरजमी जिस तरीके से गर्म है, उसी तरीके से राजनीतिक पारा भी बहुत गर्म चले आ रहा है। और अगर मैं बात करूं कि दो बड़े दिग्गजों के सामने नागपुर की राजनीति का किंग मेकर अगर मैं कहूं तो वो गलत नहीं होगा। किंग मेकर के रूप में मेरे साथ मौजूद है BSP उम्मीदवार मोहम्मद जमाल। जमाल जी, क्या कहना चाहेंगे इस गर्मी में शिद्दत के साथ, और जो नागपुर की गर्मी है और नागपुर की गर्मी के साथ साथ जो चुनावी पारा अभी गर्म है, और उस बीच में आप बिल्कुल गर्म का पूरा काम कर रहे हैं। किंग मेकर का जो विषय है, सबसे पहले आपने जो कहा कि भाई किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, तो किंग मेकर तो हम अपने लिए खुद के लिए है, क्योंकि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी ने मेरे नाम से उम्मीदवारी डिक्लेयर की नागपुर शहर के अंदर, तो उस दिन से नागपुर के चुनाव का मामला जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम उम्मीदवार BSP से आ सकता है। और चलो अगर आता भी है तो शायद कोई बाहर से पैसे वाला आएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लास्ट टाइम पे ऐसा पैतरा चली कि उन्होंने अपनी 15 साल पुराने कार्यकर्ता और वर्तमान के नगर सेवक नागपुर महानगर पालिका में पार्टी लीडर के ऊपर विश्वास जताकर उसको चुनावी दंगल में उतार दिया। जैसे ही ये कदम दंगल में पड़ा तो यहाँ का पारा गर्म हो गया, और ये जो दोनों पार्टियाँ हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम अभी तक करती थी, उनके होश उड़ गए और उनके पेट दुखने लगे। और आप देख रहे हो कि उनके जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि इस बीच में आपके साथ 9 नगर सेवक समाजवादी पार्टी समर्थन पे है, BSP पूरी के दमखम के साथ मैदान पे है, और दिशा और दशा बदलने के लिए, दोनों का भविष्य बदलने के लिए, अगर यूं कहूं तो गलत नहीं, रोड़ा बनकर आप सामने आ गए हैं। तो पहले तो आप वो 5 लाख जो नितिन गडकरी बोलते हैं, तो आप अपने कितने से विजय हासिल कर पाएंगे, क्या मेहनत चल रही है? देखिए, रोड़ा मैं इनके लिए काहे को बनूंगा, रोड़ा मैं इनके लिए नहीं बना, मैं तो अपने लिए लड़ रहा हूँ चुनाव, बहुजन समाज पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुजन समाज के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। रही बात 5 लाख के अंतर की, तो ये घबराहट दर्शाती है उम्मीदवार की, पार्टी की, कि जब वो घबराता है तो घबराहट में इस तरीके के स्टेटमेंट देकर लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश करता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। यानी उसका जब कॉन्फिडेंट लेवल गिर गया तब इस तरीके की बातें होती है। देखिए, चुनावी दंगल में 2 पहलवान 3 पहलवान उतरते हैं, जीतता उसमें एक ही है, वो जीत हार का फैसला बाद में होता है, लेकिन अंतर ये बताना कि मैं इतने पॉइंट से जीतूंगा। और अगर वो अंतर का पॉइंट्स उसको मालूम, अंतर मालूम है उसको, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ फिक्सिंग करने की उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन हम उनकी फिक्सिंग को भी नाकामयाब होने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। और नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज नगर सेवक BSP के जो होते हैं ना, वो पार्टी के होते हैं, वो सेल्फ नगर सेवक नहीं होते। तो पार्टी उनको टिकट देती है और पार्टी उनको बताती है कि आप पार्टी के नगर सेवक हो, तो उनको तो काम करना ही करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो कल बहुजन समाज का कैडर उनके साथ क्या करेगा ये भी उनको मालूम है, इसलिए उनका इधर उधर जाने का सवाल नहीं उठता। सपा का जो गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, वो बहुत तकलीफदायक हुआ है, ये दोनों पार्टियों में के अंदर खलबली मचा दिया उस सम्बन्ध। अच्छा, जिस दिन गठबंधन हुआ उसी दिन से पेड़ दर्द चालू हो गया। जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक उदाहरण मैंने पिछले बार बताया भी था कि ये जो पुलवामा कांड है ये उसी की देन है, ये सपा बसपा गठबंधन की देन है पुलवामा कांड, क्योंकि यहाँ पे बहन जी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा शुरू हो गई गठबंधन के साथ साथ, जैसी गठबंधन हुआ वैसी बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी की चर्चा देश के अंदर, वो बिका हुआ मीडिया भी करने लगा जो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहा था, चर्चा भी, और उनका भी स्टेटमेंट है कि मैं इच्छुक हूँ। बिल्कुल, देखिए बाबा साहब ने कहा था मला तुमच्यापैकी ह्या देशाचा प्रधानमंत्री बनवला पाहिजे, बघायचा आहे। तो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। मैं अगर नागपुर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी आगे के लिए सपना देखूंगा कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बुरा क्या है? सपना देखना हवा में नहीं चलना चाहिए इंसान ने, सपने देखना चाहिए, और सपने पूरे होते हैं अगर शिद्दत से उसको कोशिश की जाए पाने की। तो ये सपने पूरे करने के लिए आपके समर्थकों द्वारा एक अपील नामा, अपील नोट
भेजा गया हमारे, और हर जुमे के दिन भी देखा गया कि मस्जिदों में भी बटा। तो ये समर्थकों को अपील की क्या ज़रूरत पड़ गई उसमें, जो आपने पॉइंट से लिखा है कि जनाजा है, शादी ब्याह है, मुस्लिम भाई भाई है, क्या है ये? देखिए, मैंने ये अपील अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को नहीं लिखा, मैंने ये अपील मुस्लिम समाज से किया। दरअसल हो क्या रहा है कि नागपुर लोकसभा में जिस दिन से मुझे उम्मीदवारी मिली, मैंने कहा कि पेट दर्द शुरू हो गया दोनों पार्टी का, तो कांग्रेस ने क्या करना शुरू किया मुसलमानों में जाकर कि अगर आप BSP को वोट डालोगे तो BJP आ जाएगी, इस तरीके का दुष्प्रचार उन्होंने करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, उनकी घबराहट है, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज कांग्रेस से हट जाए, और मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज जागृत हो जाए। तो मैंने मुस्लिम समाज को जागृत करने के लिए वो अपील दी, कोई दिखावे की अपील नहीं है, मैंने सच्चाई बताई, जो लोग जानकर भी अनजान है। मैंने उनको बताया कि भाई जोश कहाँ कहाँ मुसलमान किस किस वक्त पे दिखाता है, वही वक्त आया है आज एक मुसलमान के लिए कि भैया आप मुर्दों को ही मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी कब तक निभाओगे, जिंदों को भी मंजिल पहुँचाने के लिए आ गया हो। ये करते ज़रूर है मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन उनको पता नहीं कि ये चीज़ क्या हो रही है, उसका परिणाम क्या आ रहा। आज कांग्रेस क्या समझती है कि मुसलमान का जो वोटर है वो उनके बाप की बहुती है। हमारे पूर्वजों ने कह के चले गया कि पाकिस्तान अलग हो गया, मुस्लिम लीग पाकिस्तान चले गई, आप लोग यहाँ कांग्रेस के हो जाओ। हमारे पूर्वजों की बात के ऊपर मुसलमान आज तक चले आ रहा, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? आज हम लोगों को ये पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास अगर कोई बोलता है कि आप कांग्रेस को मतदान करो, तो सिर्फ उससे ये पूछो कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कौन सा एक काम किया देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज के विकास के लिए, सिर्फ उसका जवाब देते, बिल्कुल बेशक कांग्रेस को मुसलमान वोट डाल देगा। और अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों ने भी अपना दल चुन लेना चाहिए, ऐसे संगठन के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहिए जो मुस्लिम समाज के बारे में अच्छे विचार रखता है, जो मुस्लिम समाज के लिए अच्छे विचार रखता हो, ऐसे दल और ऐसे संगठन के साथ जाना चाहिए। और ये थे नागपुर की दिशा और दशा के जो बड़े राजनेता हैं उनको बदलने के लिए किंगमेकर मोहम्मद जमाल, जो भारतीय जनता पार्टी का डैशिंग लीडर नितिन गडकरी के सामने हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा क्या वाकई पे किंगमेकर रहते हैं या नहीं। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, IN24 न्यूज़, नागपुर।